नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। ये देखिए, ये न्यूनतम तापमान वाले इस जीआईएस मैप में अगर आप देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत आप देख सकते हैं गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। तो अभी मुख्य रूप से अगर हम आपसे बात करें, पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम भारत, साथ ही साथ मध्य भारत, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक तरह से ये गलन वाली ठंड पड़ रही है। इसके मुख्य कारण है, अगर आप देखेंगे तो ये जो पहाड़ों पे बर्फबारी और साथ ही साथ एक कोहरे की एक जो चादर है, ये पूरी तरह से अगर आपके उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को जकड़े हुए है, जिसके फलस्वरूप धूप का जमीनी सतह पे न पड़ना माना जा रहा है। अगर हम आपसे बात करें शीत दिवस और कोहरा को, तो एक बार बताना चाहेंगे, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में और मुख्य रूप से अगर बात करेंगे इन जगहों पे, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, घने से बहुत घना कोहरा होने जा रहा है, या एक तरह से घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं आपको उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के लिए। और अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम बात करेंगे, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में कड़ाके के ठंड का दिन देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्य रूप से इन जगहों पे ये कड़ाके ठंड अगले 2 दिनों की लिए आपको देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम बात करेंगे, राजस्थान, खासकर ये वाले भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह के घंटों में या समय में घने कोहरे और बहुत घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं। 16 और 17 जनवरी को जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह के वक्त घने कोहरे पड़ने की संभावना है। और अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, पूरा का पूरा एक तरह से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत एक घने या एक तरह से एक चादर कोहरे की चादरों में लिपटा हुआ है, जिसके फलस्वरूप धूप का जमीनी सतह पे ना पड़ना माना जा रहा है। और अगर आप देखें टेम्परेचर, अगर आप देखें न्यूनतम तापमान, ये न्यूनतम तापमान ये देखिए एकदम गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है, बिल्कुल एकदम इसमें एक तरह से पारा काफी लुढ़कने के ऊपर ये अग्रसर दिख रहा है और ये अभी 2 दिनों तक और बरकरार रहेगी। अगर अगले 2 दिनों के दौरान हम बात करेंगे पंजाब, ये देखिए हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ अलग अलग इलाकों में शीत दिवस देखने को मिल सकते हैं और शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस भी देखने को मिल सकते हैं। इसको हम कहेंगे कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की सिचुएशन या संभावना अगले 3 दिनों के दौरान इन जगहों पर देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करें, तो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, ये वाले भाग, मध्य प्रदेश और अलग अलग इलाकों में शीतलहर की संभावनाएं भी बनी हुई है। इसका मतलब आप देखेंगे ये वाले भाग और ये वाले भाग मुख्य रूप से इसमें शीतलहर की होने की संभावना देखी जा रही है। आइए हम अगर हम संयुक्त परिस्थिति देखें, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, पहले तो देखिए बादलों का जमावड़ा, ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में ये इस तरह से सघन बादल एक तरह से अग्रसर है पूर्वी दिशा में, एक तरह से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने के लिए, जैसा कि हमने पहले से पूर्वानुमान करते आ रहे हैं। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप अरब सागर में देख सकते हैं, ये जगह पे उसकी स्थिति है। अगर इससे क्या कारण होने वाले, इसका हम बारे में बताएंगे। पहले हम आपको पिछले 24 घंटों के दौरान हमारी वेधशाला में जो दर्ज किए गए हैं वर्षा की, अगर हम बात करें, मुख्य रूप से रंगार रेड्डी जो है ये यहाँ पे तेलंगाना में दर्ज किया गया है, सूर्यापेट में 8 सेंटीमीटर। अगर हम कोहरे की बात करें, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, घने कोहरे पाए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ भागों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आसाम में। अगर शीत दिवस और गंभीर शीत दिवस की बात करें, तो दिल्ली में देखने को मिला है, खास ज्यादातर जगहों में। और अगर हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और कुछ जगहों पे मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आपके कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन देखने को मिली है। अब हम आपको वार्निंग और उसके संबंध में कुछ बताते हैं। जैसा कि हम स्कैटर्ड हल्के से मध्यम वर्षा तेलंगाना में 16 तारीख को, कोस्टल आंध्र प्रदेश रायलसीमा सीमा में 16 से 17 जनवरी को और तमिलनाडु केरला माहे में आने वाले 3 दिनों को तक देखने मिल सकता है। अगर हम सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार की बात करें, 18 से 20 जनवरी के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बिजली के गिरने की संभावना की बात करें थंडर स्टॉर्म के साथ, तो थंडर स्टॉर्म बिजली की मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 16 जनवरी को देखने को मिल सकता है। अगर हम
मध्यम वर्षा की बात करें फिर से एक बार, अगर अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 19-20 तारीख को आपको हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16 से 20 तारीख, खासकर 16 से 20 जनवरी, और अगर हम हल्के से मध्यम वर्षा हिमाचल प्रदेश में 17 से 20, उत्तराखंड में 18 से 20 जनवरी को देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर पश्चिमी विक्षोभ का, जैसा कि हमने अभी इंसर्ट TDR के एनिमेशन में देखा, सैटेलाइट के एनिमेशन में, एक तरह से वाइड स्प्रेड रेनफॉल और एक तरह से बर्फबारी की संभावना पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, और उसके आसपास निकटवर्ती जगहों में, और खासकर उत्तर पश्चिम भारत के आसपास में भी आपकी वर्षा की संभावना 21 से 23 जनवरी 2021 को देखने को मिल सकती है। ये रहा हमारे 5 दिनों का पूर्वानुमान। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर प्रदेश की इन जगहों पे, और 17 तारीख को येलो येलो अलर्ट एक तरह से, उसके बाद इसमें तीव्रता में कमी है। हालांकि सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट में आके प्राप्त कर सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।